प्यारे बच्चों, आज हमने मैथ 10th की बुक का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल कैसे मेजर किया जाता है? तो एंगल को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट हैं। तो पहला यूनिट आप पढ़ते हैं डिग्री। डिग्री जो है एंगल मेजरिंग यूनिट है। तो डिग्री क्या है? अगर हम एक सर्कल को 360 यानी सर्कल से सर्कल का सर्कमफ्रेंस, अगर किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 360 डिवीजन 360 पार्ट या 360 आर्क में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट डिग्री कहलाता है। यानी एक सर्कल हो, उस सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है उसको 360 हिस्से बना लें, 360 पार्ट्स बना लें, 360 आर्क हम लगा दें तो हर पार्ट को, हर डिवीजन को हम डिग्री कहते हैं। एक डिग्री जो है बड़ी यूनिट है। तो डिग्री को फिर फर्दर स्मॉलर यूनिट में डिवाइड किया है। तो इससे डिग्री की जो स्मॉलर यूनिट है वो मिनट है। मिनट जो है टाइम की यूनिट भी है और एंगल की जो डिग्री की जो स्मॉलर यूनिट है वो भी है। तो एक डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर होती है। एक डिग्री 60 मिनट के बराबर है, ठीक है। और फिर मिनट को फिर हमने फर्दर 60 डिवीजन में डिवाइड कर दिया और स्मॉलर यूनिट बनाने के लिए। तो एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। मिनट के ऊपर एक बार लगाते हैं और सेकंड पे दो बार लगा देते हैं। अब तीनों को अगर हम इकट्ठा करें तो एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकंड। इस तरह हम एक पूरा जब छत्तर लगाते हैं, ठीक है, तो वन रिवॉल्यूशन उसे कहते हैं और वन रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होती है। अगर धारे के दो छत्तर लगाए तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक छत्तर इसका सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस होता है 360 के बराबर होता है। इसको हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा देखिए 0 से 90, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। और ये दूसरा जो है 90 to 180 के क्वाड्रेंट एंगल है, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो लाई करता है बिटवीन 180 and 270। और ये जो है 60 का होगा और ये नाप रहा हूँ ये +60 का होगा, ठीक है। इस तरह क्लॉक वाइज क्लास एंगल की हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो एंगल की एक यूनिट तो डिग्री होगी, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो डिग्री नहीं है, वो रेडियन है। तो रेडियन क्या होता है? अगर हम एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल वो है, इसमें ए भी एक आर्क है और वो इसका रेडियस है। अगर ए भी आर्क रेडियस को एक इक्वल आ जाए तो हम इसे 1 रेडियन कहते हैं। इस एंगल को जो एंगल बनता है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क ए भी जो है वो रेडियस को एक इक्वल आ जाए तो उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। तो एंगल ए ओ बी इस कंडीशन के मुताबिक इसमें ए बी आर और रेडियस को ए इक्वल है उसको हम 1 रेडियन कहेंगे और से, ठीक है। और अब इसमें देखिए हम मेरे एंगल ए ओ पी 1 रेडियन के बराबर है। अब जरा दोनों डिग्री हमारे पास एंगल की में जो यूनिट्स हैं मिल गई हमें, एक डिग्री और एक रेडियन। अब जरा हमें बहुत से क्वेश्चन मैथ में जो आएंगे उसमें हमने डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए रिलेशन है। अगर आप देख लीजिए कि 1 रिवॉल्यूशन 360 के बराबर है और अगर हम इसे रेडियन में ला देंगे तो पूरा चक्कर 2π रेडियन। इस बात का कह रहे हैं हम ये और बता दें आप बताने के बाद भी
रेडियन के बराबर होती है। अगर 180 से पूछे डिवाइड करें दोनों तरफ 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर आता है। और अगर मैं थीटा डिग्री प्रूव करना चाहता हूँ तो पाई और 180 इंटू थीटा रेडियन। अब देखिए फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो ये फॉर्मूला याद रखना, थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 इंटू थीटा। अब मिसाल के तौर पर अगर थीटा जो है थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई आवर 180 थीटा क्या है 30 डिग्री कैंसिल हो गया 6 आ गया तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई आवर 6 रेडियन। अब पाई की वैल्यू अगर पुट कर सकते हैं 3.1416 तो आपका आंसर जो है डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन उम्मन हम वैल्यू इसी तरह से अगर पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3.1416 इस तरह इस फॉर्मूले के मुताबिक कोई भी वैल्यू आप ना थीटा की वैल्यू पुट कर दें 60 डिग्री हो 90 डिग्री हो जो भी वैल्यू हो तो डिग्री है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, तो पाई की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हैं। इस तरह आपने जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 इसमें एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया 30 डिग्री, बाकी क्वेश्चन सारे आप खुद कर लेने हैं। जस्ट आपने क्या करना है एंगल जो कितना दिया हुआ रेडियन, आप इसके 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 पाई और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और थीटा रेडियन कुल थीटा रेडियन है तो 180 और 5 ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं ठीक ना थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। यस अब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला दूसरा पार्ट में जाता हूँ, पहला पार्ट है स्क्यूड है कोर्स की रिड्यूस कोर्स है तो थीटा की वैल्यू है 5 पाई और 6। अब थीटा रेडियन आंसर कैसे निकालेंगे 180 आवर पाई इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 5 पाई आवर 6। इसमें आप वैल्यू को सॉल्व कर लें आप इसको पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने थीटा रेडियन को, ये थीटा रेडियन में था हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है ये फॉर्मूला यूज करना है थीटा रेडियन 180 इंटू थीटा डिग्री, जो थीटा की वैल्यू पुट करें तो आंसर आपका आ जाएगा। और पाई की वैल्यू आपको पता है पाई की वैल्यू में पुट करनी पड़े, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या 3.1416 क्वेश्चन आप सॉल्व करें।